तो कोई धमकी वाली गल तो नहीं हूँ सदी के एम एस पी खत्म कर देंगे जी आ कर देंगे इदा कि हो जाएगा एम एस पी खत्म करके तुम कि साढ़ा तू इतों पैपा च पा के भेज दें दिल्ली असी तो हरियाणे का भी तो तू है नहीं मानते जी ना हरियाणे तो सीखो कल कहते कोई पता नहीं कड़ी गल तो कहते यूपी तो सीखो असी क्या जहाँ जहाँ नहीं किया जो हरियाणे ने करता हरियाणा पता नहीं कि स्विट्जरलैंड बना लिया ये पूरे सेंट्रल तो नॉर्थ इंडिया की प्रॉब्लम है ये वास्ते मोदी साहब नूं अगे आना चाहिए वह कोई हल कढ़ो हल असीं तां दस्सिया होया सी पहलां कि हल इक्को ही है कि जिवें सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कहा कि पैसे दिओ जां फिर क्रॉप डाइवर्सीफिकेशन आ जाए मैं क्या झोने वांग बाकियां ते भी दे दो जिन्ना गैप होगा वो असी पे करन तैयार हाँ सो साडी धरती इन्नी उपजाऊ है जो मर्जी बीज लो ठीक है ना असी उपजा लेंगे नरमा भी हो जूगा मक्की हो जू सूरजमुखी हो जू सारी फसलें हो जाए असी 200 बिलियन डॉलर दी दालां कोलंबिया तो असी उधरों इंपोर्ट करते हैं मंगाने सानू दो ना दालां बीजने का मौका चको साडियां दालां ते असी कोलंबिया तो मंगाना बंद करवा देंगे पहला नहीं कणक आती होंगी सी अमरीका तो हरी क्रांति ने आप बंद करती सी कल नूं तुसीं इह कहोगे कि पंजाब आपका नवा सूरज लै आवे है ना हुण हवा ते कुदरत ते जोर थोड़ी चलता जी पहला तो 8 जुलाई नूं कदे हाड़ी नहीं आई सी जी पहला तो साडे मानसून का टाइम जिहड़ा उह 31 जुलाई तो अगस्त के पहले हफ्ते हुंदा सी कुदरत है जी कदे गर्मी पहला पैगी कदे सर्दी पहला पैगी कुदरत दे मुताबिक तो चलना पऊगा ना जी हुण कुदरत तो वड्डा तो कोई हो नहीं सकता हाँ उदों कुदरत नाल कोई नुकसान होया कोई होया वो सरकारां कर सकदियां जो आपदे हिसाब नाल वो असी हवा दे रुख तो चेंज बदल नहीं सकते जां सूरज नूं तां असी चढ़नों जां डुबणों हटा नहीं सकते सब तो खुशी दी गल इह है कि जिहड़ा रेल रोकणा जां सड़क रोकणा इह जिहड़ा ट्रेंड है इहनूं खत्म करन लई अज्ज खास तौर पर विशेष तौर पर गल होई कि इस तरह की नौबत आनी नहीं चाहिए भविख दे विच गल करन दे होर बहुत सारे माध्यम ने गल करन दे होर बहुत सारे वैन्यू ने जिवें कि पंजाब भवन है सो ये करना कि लोगों नूं तंग करके ही सरकार नाल गल करांगे ये गल चंगी नहीं सो सारियां यूनियनां ने इस गल ते सहमति प्रगट की है कि जो लोगों नूं मुश्किलां होईयां ने भविख दे विच नहीं आने चाहिए है जी जो तक गन्ने दे रेट नूं वधाउण बारे है पंजाब हमेशा हर गल च टॉप ते रहा है ते वादा कीता क्योंकि जे साडे कोले पैसा होगा तो असी पब्लिक नूं दे देंगे और खेती क्योंकि धुरा है साडे पंजाब दा अग्रेरियन स्टेट है तो फिर जे मिलां जिहड़ियां ने वो कमा रही ने तो वो किसान नूं भी वो पैसा मिलना चाहिए सो आने वाले दिनों दे विच वड्डी खुशखबरी भी कस गन्ना उत्पादकों नूं मिलेगी रेट के रूप के फिर जो हड़ां वेले नुकसान होया मुआवजे के रूप च सारे अधिकारी मेरे नाल अज मौजूद सी उत्थे ते सब तो वधिया गल इह होई है कि उन्होंने वादा किया कि वो रेलवे ट्रैक तो फ्री हो गया तो जिहड़ी हाईवे का जिहड़ा सर्विस रोड चल रही है तो वह दूजा भी जिहड़ा मेन हाईवे वह भी खुल जूगा भविख दे विच इस तरह की नौबत ना सरकार वाले पास्यों ना ही किसी भी संगठन वाले पास्यों भावें वह किसान यूनियन ने भावें वह कोई मुलाजम जथेबंदियां ने भावें कोई दुकानदार ने व्यापारी ने यह ट्रेंड जिहड़ा आम लोगों को तंग करन दा उहदे नाल देखो आम लोग ही फिर उन्हां संगठनां दे विरुद्ध हो जांदे ने कि सानू क्यों तंग कर रहे हो तीन तीन चार चार घंटे पिंडां विच दी लंघ रहे ने तो लोग कहिंदे ने यार साडा की कसूर है इहदे च लोग कहिंदे ने यार होर इन्हां दा की कर देने इतों वध जिन्ना हो रहा है सो सारे पंजाब दे विच असी खुशखबरी जां खुशहाली वाला माहौल लैके आउणा ना कि इह कि कोई कल नूं फेर बह गया जां परसों नूं उह बह गए मैं आपदा केडर बचाउणा है मैं आपदा केडर बचाउणा है वह ना कामयाब हो जाण इह ना कामयाब होण इह गल्लां जिहड़ियां इह छड्डणियां पैणियां पंजाब ने नंबर वन सूबा बनना है तो सारयां नूं मिल के काम करना पऊगा सो अज गन्ना उत्पादकां नाल गल होई है यूनियन दे मैं लीडर नाल भी गल होई है कल नूं असी जिहड़े मिलर्स ने उन्हां नूं बुलावांगे ते उन्हां नाल भी गल करांगे कि तुहाडा किन्ना क्योंकि अज कल गन्ने तो कल्ली खंड नहीं बनती गन्ने तो एथेनॉल
होर बहुत सारे प्रोडक्ट बनने लग गए खंड के अलावा। सो इस करके जे उन्होंने प्रॉफिट हो रहा तो उन्होंने प्रॉफिट भी नहीं असं घटा चाहते, क्योंकि वो जे गन्ने ही नहीं बीजूगा कोई तो मिलना किमें चला, तो वो उन्होंने जिस तरह ही मार्क फैड है, जे असी मार्क फैड नू उपर लेके जाने तो जेडे साडे वेरका वाले जेडे साडे किसान ने डेयरी वाले उन्होंने फायदा होंगे, क्योंकि उहदे विच उस सोसाइटी दे विच उहदे पार्टनर ने वो। सो इस करके सरकार कदे भी खास तौर पर पंजाब सरकार कदे भी कोई पैसा लोगों तो लुकाउंदी नहीं, भावें वह बिजली दे बिल माफ करन दे रूप च, भावें आम आदमी क्लीनिकां दे रूप च मुफ्त दवाइयां दे रूप च, भावें वह रोज़गार देने दे रूप च, भावें वह इत्थे नवें रोज़गार दे मौके प्राइवेट सैक्टर च पैदा करन दे रूप च, भावें वह जिस तरीके नाल भी लोगों नूं हैल्प चाहिए सहूलत चाहिए है, असी लोगों का पैसा लोगों ते लाउण तो कदे गुरेज नहीं करते। सो बड़े वधिया माहौल च गल हुई है और एक दो दिन बाद जिहड़ा सारियां मीटिंगां करके तो इहदा मतलब हल तो निकल ही गया, मतलब कुछ जिहड़ियां नवीं अनाउंसमेंट्स जिहड़ियां हो जाणगियां। हाँ जी कल वो भी नाल ही है जी। नहीं जी देखो मैं किसी नूं क्रेडिट बार नहीं कहिंदा, देखो गन्ने दे रेट इदां नहीं हुंदा कि जो उन्हें वधाते जो ते उत्तराखंड च 340 रुपए है। नहीं अज कि कोई मैं अनाउंस कर रहा, फिर लागू तो सरकार करूगी, मतलब कोई यह ना कोई कहे कि असी सड़क रोक के जां रेलां रोक के असी जिहड़ा वो वधा ले जां असी जित गए, इत्थे कोई जित्तन हारन की लड़ाई नहीं सी, अज भी कोई जित्या हारिया नहीं, साढ़े ही ने भी खेती करने वाले कौन ने, साढ़े छोटे भैन भाई भरा मावं चाचे ताए बापू साढ़े ही ने। सो कोई जित्तन हारन की लड़ाई नहीं है कि अज कौन जित गया जी, अज किने की कहता जी, अज इन्होंने ऐ कहता जी, जां कोई है जी ਉਹਦਾ ਜੀ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮੰਗਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮੰਗਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹੁਣ। ਪੁਰਾਣੀ ਸਾੜ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਕਹ ਰਹੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੀ ਸਾੜ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਐਫ ਆਈ ਆਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਕੈਂਸਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮਾਮਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਮਲੇ ਤਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਫਿਰਦੇ ਆ ਜੀ, ਤਾਂ ਪੁਰਾਣੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਤਾਂ ਸਬ ਜੁਡਿਸ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬਚਾਓਗੇ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਹਰਿਆਣੇ ਤੋਂ ਸਿੱਖੋ, ਹਰਿਆਣਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜਾ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਾਡਾ ਤੂੰ ਇੱਥੋਂ ਪੈਪਾਂ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਭੇਜਦੇ ਹਾਂ ਦਿੱਲੀ ਅਸੀਂ, ਅਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਵੀ ਤਾਂ ਤੂੰ ਹੈਗਾ, ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਜੀ ਨਾ ਹਰਿਆਣੇ ਤੋਂ ਸਿੱਖੋ, ਆ ਕੱਲ੍ਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ 'ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਯੂਪੀ ਤੋਂ ਸਿੱਖੋ, ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਜਿਹਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜਾ ਹਰਿਆਣੇ ਨੇ ਕਰਤਾ, ਇਹ ਨੌਰਥ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ ਵੀ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਇਹ ਪੂਰੇ ਸੈਂਟਰਲ ਅਤੇ ਨੌਰਥ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜੇ ਉਹ ਜੇ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਯੂਕਰੇਨ ਅਤੇ ਮਤਲਬ ਰਸ਼ੀਆ ਦੀ ਮੈਂ ਜੰਗ ਰੁਕਵਾ ਕੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਕਢਾ ਲਏ, ਜੇ ਤਾਂ ਯਾਰ ਤਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲੈਣ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਰੇ ਬੁਲਾ ਲਓ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੁਲਾ ਲਓ, ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬੁਲਾ ਲਓ, ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਬੁਲਾ ਲਓ, ਯੂਪੀ ਦਾ ਬੁਲਾ ਲਓ, ਮਤਲਬ ਅਤੇ ਦੱਸੋ ਵੀ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਕੀ ਹੱਲ ਕਰੀਏ, ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਧਮਕੀਆਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਸਦੀ ਕਿ MSP ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ ਜੀ, ਆਹ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਜੂਗਾ MSP ਖਤਮ ਕਰਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਕੱਢੋ, ਹੱਲ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਹੱਲ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੈਸੇ ਦਿਓ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕ੍ਰੋਪ ਡਾਈਵਰਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆ ਜਾਏ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਬਦਲਾਂਗੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਫਸਲ ਬਦਲਾਂਗੇ, ਫਰਜ਼ ਕਰ ਲਓ ਅਸੀਂ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਅੱਧੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ 50% 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਫਸਲ ਲਾ ਲਓ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੂਰਜਮੁਖੀ ਲਾ ਲਈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੱਕੀ ਬੀਜ ਲਈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਫਸਲ ਬੀਜ ਲਈ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ਮੁਤਾਬਕ, ਹੁਣ ਜਿੰਨੇ ਉਹਨੂੰ ਝੋਨੇ 'ਚੋਂ ਬਚਦੇ ਆ 5 ਕਿੱਲੇ ਉਹਨੇ ਝੋਨੇ ਦੇ ਲਾ ਲਏ, ਜਿੰਨੇ ਉਹਨੂੰ 5 ਕਿੱਲੇ ਝੋਨੇ 'ਚੋਂ ਪੈਸੇ ਬਚੇ ਉਨੇ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਉਹਨਾਂ 5 ਕਿੱਲਿਆਂ 'ਚੋਂ ਬਚਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਉਹਨੂੰ 5 ਕਿੱਲੇ ਝੋਨੇ 'ਚੋਂ 1.5 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਬਚ ਗਿਆ, ਕੁੱਲ 30,000 ਰੁਪਇਆ ਚਲੋ 1 ਕਿੱਲੇ ਦਾ ਬਚ ਗਿਆ, ਚਲੋ ਇੱਕ ਫਿਗਰ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਬੀਜ ਕੇ ਉਹਨੂੰ 1,10,000 ਬਣਿਆ, ਅਸੀਂ 40,000 ਰੁਪਇਆ ਪੇ ਕਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਝੋਨੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਨਾ ਆਵੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਫਿਰ ਝੋਨਾ ਲਾਊਗਾ, ਕਹੂਗਾ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਤਜਰਬੇ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਸਰਕਾਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਜੋ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਖਰਾਬ ਕਰੀਏ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਆਹ ਅਕਤੂਬਰ ਨਵੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ
वह किनिया बीमारियां बढ़िया ने, खास तौर पर सह न फेफड़े न संबंध छोटे छोटे बच्चे ज एक्सीडेंट होंगे ने, कि अजाई मौत होंगे ने। सो सरकार वालों सहूलत वाले पास कोई कमी नहीं आऊगी। चार बिल तुसी पास करके भेजे चांसलर नू लेके, डीजीपी पंजाब नू लेके और एसजीपीसी नू लेके, एडेड कॉलेजां नू लेके, पर हाले तक गवर्नर पंजाब दे वल्लों बिल पास हजे कल डिटेल दे विच ऑर्डर आया है माननीय सुप्रीम कोर्ट दा, जिदे विच उन्होंने लिखा है कि इन्हां बिलां ते एज सून एज पॉसीबल गवर्नर फैसला लैण। असीं भी एक लैटर लिखिया कि गवर्नर जिहड़े, क्योंकि हुण तां इह सैशन लीगल है ना, पहले तो कहे सी इलीगल है 19 ते 20 जून वाला, तो फैसला मैं उम्मीद है कि गवर्नर साहब जल्दी फैसला लैणगे ताकि एक चुनी हुई गवर्नमेंट अपना जो विधानिक ते संविधानिक अधिकार है उसकी वरतों कर सके। मैं कदों कहा जी धरने लाने गलत ने जी, मैं क्या लोगों को आपके विरुद्ध ना करो, धरना लाने का तरीका होंगे ना जी, धरना लाने का तरीका तुम लोगों एंबूलेंसा रोक के जी आम लोगों तंग करके तो की खटन के क्रेडिबिलिटी घटती है। नॉट ओनली मैं जमीन की गल नहीं करता, भावें कोई नेता हो भावें कोई होर संगठन होकर तो बिना नहीं चल सकता। जे तुम लोगों ही तंग करके लोगों को कहोगे जिहड़े 4 घंटे सड़क लभ लभ के पिंडों में गए ने उन्होंने पूछ के देखो जी किसी की कोई इंटरव्यू से किसी का कुछ, वह कहते असी की लेना इन्होंने गलों तो ज्यादा हो ना कि सरकार इन्नी अड़ियल हो पई है कि मनते नहीं मिलते ही नहीं। मेरे ख्याल साढ़े तो वह कोई मिलता नहीं, अच्छ तो उन्होंने नाल ही रहने साढ़े ही हाँ, अच्छ तो हर रोज़ बुला बुला मैं तो अभी भी कहा उन्होंने कि बिना धरने तो भी आ लिया कदों कहीं चाह चू पानी पी लिया। देखो जी कल कहोगे कि पंजाब आपका नवा सूरज ले आवे है ना, हुण हवा ते कुदरत ते जोर थोड़ी चलता जी, पहला तो 8 जुलाई नूं कदे हाड़ी नहीं आई सी जी, पहले तो साडे मानसून का टाइम जिहड़ा वो 31 जुलाई तो अगस्त के पहले हफ्ते होंदा सी, कुदरत है जी कदे गर्मी पहला पैगी कदे सर्दी पहला पैगी, कुदरत के मुताबिक तो चलना पेगा ना जी। हुण कुदरत तो वड्डा तो कोई हो नहीं सकता, हाँ उदों कुदरत नाल कोई नुकसान होया कोई होया वो सरकारां कर सकदियां जो आपदे आपदे हिसाब नाल, असीं हवा दे रुख तां चेंज बदल नहीं सकते, जां सूरज नूं तां असीं चढ़नो जां डुब्बणो हटा नहीं सकते।